नमस्कार, दिनभर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आज इस बुलेटिन में बात होगी मोदी कैबिनेट की अहम बैठक की, केंद्र पर राहुल गांधी के कटाक्ष की, जानेंगे बीजेपी में क्यों बेचैन है सिंधिया समर्थक, और आखिर में बात ट्रेन संचालन से जुड़ी अहम खबर की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का बड़ा बयान, कहा जल्द होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, हमारी तैयारी है पूरी, बस केंद्रीय नेतृत्व से होनी है बात। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने 26 जून को बुलाई सर्वदलीय बैठक, राजनीतिक दलों की राय के आधार पर तैयारियों को अंतिम रूप देगा आयोग, राजनीतिक दलों से डिजिटल तैयारियों को लेकर भी चर्चा करेगा आयोग। राहुल गांधी को फिर कांग्रेस की कमान सौंपने की मांग हुई तेज, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा देश की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी को संभालनी चाहिए कांग्रेस की बागडोर। जल्द दिल्ली दौरे पर जाएंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री और पार्टी नेतृत्व से करेंगे मुलाकात, हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा संगठन बदलाव पर हो सकती है चर्चा। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 561 अंक और निफ्टी 165 पॉइंट नीचे हुआ बंद, आज हरे निशान पर हुई थी कारोबार की शुरुआत। सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की, देश की अर्थव्यवस्था आज किस हाल में है ये जग जाहिर है, हर सेक्टर मंदी से जूझ रहा है, खासकर बैंकिंग सेक्टर की हालत तो दिन ब दिन खराब होती जा रही है, सहकारी बैंकों को लेकर तो सवाल भी उठने लगे हैं। इन सब के बीच आज सभी की नजरें टिकी थी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक पर, जहां मोदी सरकार ने कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई। आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए मौजूद हैं राजीव जी, लेकिन उनका रुख करने से पहले आज क्या कुछ खास रहा मोदी कैबिनेट की बैठक में, देखिए इस रिपोर्ट में। देश में स्वास्थ्य मुसीबत ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया है, सरकार अर्थव्यवस्था को तेजी देने के लिए कदम उठा रही है, जिसके मद्देनजर आज सरकार ने कई अहम फैसले लिए। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में आज कैबिनेट बैठक हुई, बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा आज अंतरिक्ष विज्ञान और बैंकों को लेकर बड़े सुधारों को लेकर अध्यादेश को मंजूरी दी गई है, अब सहकारी बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के सुपरविजन पावर में आ जाएंगे। जावड़ेकर ने कहा कि 1482 शहरी सहकारी बैंकों और 58 बहुराज्य सहकारी बैंकों सहित सभी सहकारी बैंकों को अब भारतीय रिजर्व बैंक की सुपरविजन के तहत लाया जा रहा है। आरबीआई की शक्तियां जैसे अनुसूचित बैंकों पर लागू होती हैं, वैसे ही सहकारी बैंकों पर भी लागू होंगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आरबीआई के सुपरविजन में 1540 सहकारी बैंकों को लाने के फैसले से इनके खाता धारकों को फायदा मिलेगा, इन बैंकों में 8.6 करोड़ से ज्यादा जमाकर्ताओं को आश्वासन होगा कि इन बैंकों में जमा 4,84,000 करोड़ रुपए सुरक्षित रहेंगे। जावड़ेकर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बहुत अहम फैसले लिए गए हैं, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा सुधार किया है, आज तक हमने अंतरिक्ष में अच्छा विकास किया है, अब ये एक तरह से सभी के उपयोग के लिए खोले जा रहे हैं, कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया जा रहा है, अब केंद्र के इन फैसलों का असर जनता और अर्थव्यवस्था पर कितना पड़ता है ये देखना होगा। अब रुख करते हैं राजीव जी का। राजीव जी आपका स्वागत है। धन्यवाद मीनाक्षी। राजीव जी, सहकारी बैंकों को आरबीआई की निगरानी में लाया जाए ये बात बहुत पहले से हो रही थी, बैंकों के पीछे एक लॉबी काम करती है जिस कारण से बैंक में बहुत बड़ी हेराफेरी के मामले भी सामने आए, जिससे आम लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ऐसे में राजीव जी, सरकार के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, क्या ये फैसला काफी देरी से लिया गया फैसला है? देखिए मीनाक्षी, हिंदुस्तान जैसे देश में सहकारी बैंकों का अलग ही महत्व है, हमारे यहाँ अमीरी और गरीबी के बीच की खाई बहुत गहरी है, सरकार की तमाम योजनाओं और नीतियों के बावजूद हमने देखा है कि कैसे अमीर और अमीर बन जाते हैं और गरीबों को उस दलदल से निकलने के लिए बहुत हाथ पैर मारने पड़ते हैं, कई बार खेती के लिए कर्ज लेने या छोटे मोटे कारोबार के लिए उधार लेने की नौबत आती है और साहूकारों के चंगुल में फंसना आसान हो जाता है, ऐसे में सहकारी बैंक बड़ी सहायता पहुंचाते हैं। अपने देश में गांव, जिला, शहर और राज्य स्तर के सहकारी बैंक हैं जिनकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य अन्नदाताओं को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना, ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, गांवों और शहरों में लघु उद्योग और स्वरोजगार में लगे लोगों के लिए व्यक्तिगत वित्तीय सहायता देना, सेवाएं देना और साथ ही बिचौलिया और साहूकारों के जाल से मुक्ति दिलाना है। इस अच्छे उद्देश्यों के साथ गठित सहकारी बैंकों में भ्रष्टाचार की घुन जो है वो गहरे तक लग चुकी है। बीते वर्षों में हमने देखा है कि कई शहरों और
राज्यों में सहकारी बैंकों में घोटाले की खबरें आ चुकी हैं। इन बैंकों में राजनीतिक हस्तक्षेप का बढ़ना भी भ्रष्टाचार का एक प्रमुख कारण है। सहकारी समितियों में अपनी पसंद के या अपने गुट के लोगों को बिठाना और फिर मनचाहे काम करवाने का दुष्परिणाम ये हुआ मीनाक्षी कि आम आदमी की भरोसे के साथ जमा की गई पूंजी जो है वो दांव पर लग गई। सहकारी बैंकों में जिस तरह अरबों की हेराफेरी हो रही है उसे देखते हुए सरकार ने सभी सहकारी बैंकों और बहुराज्यीय सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक की देखरेख में लाने का फैसला लिया है ताकि जमाकर्ताओं को भरोसा मिले कि उनका पैसा सुरक्षित है। इससे पहले भी मंत्रिमंडल ने सहकारी बैंकों को मजबूत बनाने और पीएमसी बैंक जैसे संकट से बचने के लिए बैंकिंग नियमन अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी थी। जाहिर है कि सरकार आम ग्राहकों की बेहतरी के लिए ये कदम उठा रही है, लेकिन उसके साथ साथ सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा मीनाक्षी कि चाहे सहकारी बैंक हों या निजी बैंक हों, उनमें अगर जरा भी गड़बड़ी की बू आए तो फौरन कड़े कदम उठाए जाएं। देश ने देखा है कि धोखाधड़ी करने वाली सरकारी एजेंसियों की नाक के नीचे से हजारों करोड़ की हेराफेरी करके विदेश भाग गए और सरकार जांच करने और कड़ी सजा देने का दावा ही करती रह गई। इसीलिए खेत चुग जाने के बाद उड़ती चिड़िया को देखने से बेहतर है मीनाक्षी कि हम चिड़िया को मेहनत की फसल चुगने ही न दें। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। पूर्णबंदी के दौरान जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में गिरावट आई थी तो जनता को लगा था कि अब भारत में भी पेट्रोल डीजल के दाम गिरेंगे, लेकिन आलम यह है कि पिछले 17 दिनों से लगातार दामों में इजाफा हो रहा है और अब तो डीजल पेट्रोल से भी महंगा हो गया है, जिसको लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी सवाल खड़े किए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत है 79 रुपए 76 पैसे, जबकि डीजल की कीमत पहुंच गई है 79 रुपए 88 पैसे। पहली बार देश में डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया है, जबकि लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम गिरे हैं और जनता को इसका फायदा मिलेगा, लेकिन पहले सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई और फिर तेल विपणन कंपनियों ने नुकसान से बचने के लिए पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दी, जिसको लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी सवाल खड़े किए। मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत और पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों का ग्राफ शेयर करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसा है। राहुल ने ट्वीट किया, मोदी सरकार ने मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत और पेट्रोल डीजल की कीमतों को अनलॉक कर दिया है। ऐसा पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी मोदी सरकार की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े कर रहे हों। इससे पहले भी पड़ोसी देश के साथ विवाद को लेकर राहुल लगातार मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते नजर आए हैं और अब उन्होंने पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें, इससे पहले कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी मोदी सरकार से पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम वापस लेने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने तो उल्टा महंगाई का बोझ जनता पर डाल दिया। दरअसल डीजल के दाम बढ़ने से चौतरफा असर पड़ता है, इससे ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ने से महंगाई भी बढ़ेगी और जनता को दोहरी परेशानी झेलनी पड़ेगी। लोगों को ट्रांसपोर्ट के लिए ज्यादा किराया देना पड़ेगा और महंगे सामान खरीदने पड़ेंगे। इसका ऑटो सेक्टर की बिक्री पर भी बड़ा असर पड़ेगा। एक तरफ कांग्रेस का सरकार पर हल्ला बोल जारी है तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार भी स्वास्थ्य मुसीबत पर काबू पाने के लिए पूरा जोर लगा रही है, लेकिन रोजाना सामने आ रहे मामले सरकार की टेंशन बढ़ा रहे हैं। इसी बीच अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने इस मुसीबत के फैलाव को रोकने के लिए एक नया प्लान तैयार किया है। तो क्या है वो प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्वास्थ्य मुसीबत को फैलने से रोकने के लिए नया प्लान तैयार किया गया है। इसके तहत दिल्ली के हर घर की स्क्रीनिंग की जाएगी। दावा किया जा रहा है 6 जुलाई तक दिल्ली के हर घर की स्क्रीनिंग कर ली जाएगी। नए रिस्पांस प्लान के तहत दिल्ली के सभी जोन के घरों की जांच होनी है। हालांकि अरविंद केजरीवाल सरकार का कहना है 30 जून तक जांच पूरी कर लेने की तैयारी है, फिर भी अनुमान के मुताबिक 6 जुलाई तक हर घर की स्क्रीनिंग कर ली जाएगी। आपको बता दें, देश की राजधानी दिल्ली में मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत से प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। भारत में बढ़ते आंकड़ों के राज्यवार मामलों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या दिल्ली में ही है। स्वास्थ्य मुसीबत को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच पिछले हफ्ते हुई बैठकों के बाद नया प्लान तैयार किया गया है। आपको बता दें, दिल्ली में 261 ऐसे इलाके हैं जहां स्वास्थ्य मुसीबत का प्रकोप सबसे ज्यादा देखने को मिला है। इन मोहल्लों में निगरानी और गंभीरता से जांच करने का दावा किया जा रहा है ताकि इस मुसीबत की चेन को तोड़ा जा सके। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार ने कहा है कि दिल्ली में हर दिन 2500 से ज्यादा नए मामले आ रहे हैं। लगभग 45% मामले कंटेनमेंट एरिया के हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक नियंत्रण क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरों के उपयोग से पुलिस द्वारा निगरानी रखी जाएगी। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के दिशा निर्देशों के अनुसार ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में रैपिड एंटीजन परीक्षण किया जाएगा।
राज्य टास्क फोर्स का नेतृत्व खुद मुख्यमंत्री करेंगे। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में प्रभावितों को देखभाल केंद्रों पर भेजने की व्यवस्था की जाएगी। दिल्ली में स्वास्थ्य मुसीबत की व्यापकता का अनुमान लगाने के लिए 20,000 नमूनों को सर्वेक्षण के एक भाग के रूप में एकत्र किया जाएगा, जो 27 जून को शुरू होगा। नतीजे 10 जुलाई को जारी किए जाएंगे। अब केजरीवाल सरकार की कोशिश कितना रंग लाती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश में सियासत के कई रंग देखने को मिल रहे हैं, जिसका असर राज्यसभा चुनाव पर भी साफ देखा गया। इन्हीं सियासी दावपेच के बीच शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में 100 दिनों का कार्यकाल पूरा करने वाली है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक सीएम मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पाए हैं, जिससे कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए पूर्व मंत्रियों की बेचैनी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश की सियासत के तमाम घटनाक्रमों के बीच शिवराज सिंह चौहान अपने इस कार्यकाल के 100 दिन पूरे करने जा रहे हैं। करीब 100 दिन पहले मध्य प्रदेश के सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिला था, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस के 22 नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे और कमलनाथ सरकार गिर गई थी। 20 मार्च को कमलनाथ की विदाई के बाद 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और अब 30 जून को वो अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे करने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक शिवराज ने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया है। शिवराज केवल 5 मंत्रियों के साथ ही कामकाज संभाल रहे हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया तो राज्यसभा पहुंच गए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से किनारा करने के बाद बाकी नेताओं की वर्तमान मंत्री बनने की ख्वाहिश फिलहाल अधूरी ही है। पिछले 100 दिनों से ये दिग्गज शिवराज सरकार में मंत्री बनने की राह देख रहे हैं और कई मौकों पर सार्वजनिक तौर पर अपनी ख्वाहिश को प्रकट भी कर चुके हैं। पिछले दिनों भोपाल में सिंधिया समर्थक पूर्व विधायकों की बैठक को भी इससे जोड़कर देखा जा रहा था। बीजेपी की सदस्यता लिए इन लोगों को 100 दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन ये नेता लगातार बीजेपी मुख्यालय की परिक्रमा कर रहे हैं। मंत्री बनने का ख्वाब संजोए बैठे नेताओं की फहरिस्त भी लंबी है। तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत तो शिवराज सरकार में शामिल होकर पूर्व से वर्तमान मंत्री बन चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रबल दावेदारों की लिस्ट में महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रद्युम्न सिंह तोमर, प्रभुराम चौधरी और इमरती देवी हैं। इनके अलावा लिस्ट में बिसाहूलाल सिंह, एंदल सिंह कंसाना, हरदीप सिंह डंग, राजवर्धन दत्तीगांव और कमलेश जाटव का नाम भी शामिल है। अब शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार कब करेंगे और इन नेताओं का ख्वाब पूरा होगा या अधूरा रहेगा, इस पर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। अब शिवराज कब कैबिनेट का विस्तार करेंगे और किसे अपनी टीम में शामिल करेंगे ये देखना होगा। वहीं देखने लायक इन दिनों बिहार का सियासी माहौल भी है, जहां आरजेडी में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तेजस्वी को लेकर तो पहले ही पार्टी में तनातनी है, तो वहीं अब पार्टी से दिग्गजों के जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, जिसका ताजा मामला मंगलवार को देखा गया, जब 5 MLC समेत रघुवंश प्रसाद ने आरजेडी को अलविदा कह दिया, जिसके बाद अब राबड़ी देवी की विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी जाना भी तय माना जा रहा है। बिहार में लालू प्रसाद के सजायाफ्ता होने के बाद से राष्ट्रीय जनता दल में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के अपने सहयोगी आरजेडी को आंख दिखा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विधान परिषद के चुनाव से पहले ही पार्टी के लिए एक के बाद एक बुरी खबरें सामने आने का सिलसिला जोर पकड़ रहा है। मंगलवार का दिन तो आरजेडी के लिए मुसीबतों भरा रहा। पार्टी को एक के बाद एक लगातार दो बुरी खबर मिली। पहली, 5 आरजेडी के MLC ने JDU का दामन थाम लिया। दूसरी, पार्टी के उपाध्यक्ष और लालू के करीबी रघुवंश प्रसाद सिंह ने त्याग पत्र दिया। लेकिन अभी भी यह मुसीबत कम नहीं हुई है। अपनों के बागी होने के बाद अब राबड़ी देवी की कुर्सी जाना तय माना जा रहा है। दरअसल राबड़ी देवी मौजूदा वक्त में विधान परिषद में विपक्ष की नेता है और जल्द उनसे यह पद छिन सकता है। आपको बता दें, बिहार विधान परिषद में कुल 75 सीटें हैं और विपक्ष के नेता के लिए 8 सीटें होनी चाहिए। मंगलवार को आरजेडी के 5 MLC ने आरजेडी छोड़ JDU का दामन थाम लिया। इसके बाद आरजेडी के पास सिर्फ 3 सीटें रह गई हैं। ऐसे में राबड़ी देवी को जल्द विपक्ष के नेता की कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। गौरतलब है, बिहार विधान परिषद में अभी 29 सीटें खाली हैं। इसमें 12 मनोनयन कोटा, 9 विधानसभा, 4 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और 4 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के हैं। मौजूदा वक्त में JDU के 20, BJP के 16, RJD के 3, LJP और हम के 1-1, कांग्रेस के 2 और निर्दलीय 2 विधान परिषद सदस्य हैं। वहीं 6 जुलाई को 9 सीटों पर चुनाव भी होना है, लेकिन उससे पहले ही राबड़ी देवी की कुर्सी पर काले बादल मंडरा रहे हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात ट्रेन संचालन से जुड़ी अहम खबर की। देश अनलॉक मोड में आ गया है। सरकार पहले ही संकेत दे चुकी है कि देश में अब दोबारा पूर्णबंदी नहीं लगाई जाएगी। छूट का दायरा भी लगातार बढ़ाया जा रहा है, लेकिन रेलवे की सुविधाएं फिलहाल सामान्य होते नहीं दिख रही है। रेलवे की सेवाएं सामान्य होने के लिए अभी लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। देखिए रिपोर्ट में।
देश में मौजूदा स्वास्थ्य परेशानी दिन ब दिन रौद्र रूप धारण करती जा रही है, जिसने सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। अब यूं तो रेलवे का चक्का पूर्णबंदी की घोषणा होने के बाद ही जाम हो गया था, हालांकि बाद में प्रवासी कामगारों और लोगों की जरूरतों के मद्देनजर सरकार ने सीमित स्तर पर रेल सेवा शुरू जरूर की, लेकिन रेल सेवा पूरी तरह से बहाल कब होगी या फिर रेलवे की सेवाएं सामान्य कब होंगी, इस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। केंद्र सरकार की ओर से जो संकेत मिल रहे हैं उससे तो 3 महीने से ठप पड़े ट्रेनों का संचालन फिलहाल सामान्य होता नहीं दिख रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रेलवे मंत्रालय ने 14 अप्रैल को या उससे पहले बुक किए गए सभी टिकटों को रद्द करने और टिकटों का पूरा रिफंड जनरेट करने का फैसला लिया है। इसके तहत सभी जोन को एक सर्कुलर भी जारी किया गया है, जिसके बाद अब ये माना जा रहा है कि जुलाई के महीने में भी सामान्य ट्रेनों का संचालन नहीं हो सकेगा। मतलब अभी लोगों को ट्रेन सेवाएं सामान्य होने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। आपको बता दें 25 मार्च को पूर्णबंदी लागू होने पर रेल और हवाई सेवाओं पर ब्रेक लगा दिया था, मगर 30 मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दी गई। उसके बाद कई और ट्रेनों का संचालन भी शुरू किया गया, लेकिन अब सामान्य ट्रेनों का संचालन कब शुरू होगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।